हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा बैंक निफ्टी क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, देखते हैं। कल 43,000 के पास काफी पुट राइटिंग हुई है यहाँ पर, तो ये हमारे लिए अभी एक सपोर्ट का काम करने वाला है। बैंक निफ्टी ने जो एक रेंज बनाई थी, अभी रेंज की अपर साइड में ट्रेड कर रहा था। आज की जो क्लोजिंग है वो रेंज के ऊपर दी है, और जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो 42,900 के आसपास, और 43,000 जो ये लास्ट अभी जो स्विंग बना है ये भी हमारा अभी एक सपोर्ट का काम करने वाला है। और इसी लेवल के पास आसपास काफ़ी पुट राइटिंग हुई है यहाँ पर। अब अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद इस लेवल को क्रॉस करता है, तो हमें जो अपसाइड के टारगेट 43,500 के आसपास, 550 के आसपास देखने को मिलेंगे, ये हमारे लिए अभी रेसिस्टेंस से बना हुआ है। और अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन की जगह थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें फिर ये जो रेंज है, ये जो एरिया है, हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगी, और ये नीचे हमारे पास सपोर्ट है। फिर हम स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल के लिए यहाँ पर प्ले करेंगे। अगर सेकेंड हाफ में या फिर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद इस रेंज या इस रेंज के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है, तो हम एक साइड उस जिस साइड क्रॉस करेगा उस साइड की हम पोजीशन को क्लोज कर देंगे, और सेकेंड पोजीशन हमारी ओपन रहेगी। और यहाँ पर भी हम और अपसाइड या डाउन साइड के लिए न्यू पोजीशंस भी यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।